वैसे तो हनुमान जी के सभी मंदिरों में उनके पुरुष रूप की पूजा की जाती है, वहीं हमारे देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहां पर हनुमान जी की पूजा उनके पुरुष रूप में नहीं बल्कि नारी रूप में की जाती है। इस मंदिर के पीछे का रहस्य जानने के लिए दोस्तों देखते रहिए दिव्य मंदिर दर्शन। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली ऐसी धार्मिक वीडियो मिलती रहे। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हमारे देश में संकट मोचन हनुमान जी के कई मंदिर हैं जो अलग अलग विशेषताओं की वजह से प्रसिद्ध हैं। जैसे किसी मंदिर में संकट मोचन हनुमान की लेटी हुई प्रतिमा है तो किसी मंदिर में उनकी उल्टी प्रतिमा पाई जाती है। वहीं राजस्थान के बालाजी में हनुमान जी की कोई प्रतिमा ही नहीं बल्कि यहाँ एक बड़ी सी चट्टान पर जिसमें हनुमान जी की आकृति उभरी हुई है उस आकृति को हनुमान स्वरूप में माना जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे हनुमान मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसमें हनुमान जी की पूजा स्त्री रूप में की जाती है। दुनिया का एकमात्र ऐसा अनोखा हनुमान मंदिर जिसमें हनुमान जी की पूजा नारी रूप में की जाती है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शहर बिलासपुर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर रतनपुर में स्थित है। इस मंदिर को गिरजाबंद हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित इसी हनुमान मंदिर में हनुमान जी की पूजा नारी रूप में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित स्त्री रूप वाले हनुमान जी की मूर्ति करीब 10,000 साल पुरानी है। इस गिरजाबंद हनुमान मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि यहाँ से हनुमान जी का कोई भी भक्त निराश या खाली हाथ वापस नहीं लौटता। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी के इस रूप के दर्शन करता है उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। इस हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति दक्षिणमुखी है। अगर आप भी दोस्तों कभी छत्तीसगढ़ जाएं तो इस मंदिर में दर्शन जरूर करना क्योंकि यह दुनिया का एक ऐसा इकलौता मंदिर है जिसमें हनुमान जी की नारी रूप में पूजा की जाती है।